हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो होम बार है ये वाला, उसमें से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर दी है, तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, ये जो होम टैब है, इसमें जो ये सबसे पहले होता है वो होता है कट एंड देन कॉपी होता है और पेस्ट होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जनवरी मुझे कॉपी करना है, तो मैंने ये कर्सर जो है ये वाले सेल पे रखा है, और मैं अगर यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ये वाला कर्सर रख देता हूँ फिर से, और फिर अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और पेस्ट हो जाएगा। और अगर यही मैं कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट होता है, और यहाँ पे फिर से रख के कंट्रोल वी करता हूँ, तो कंट्रोल वी पेस्ट का शॉर्टकट होता है, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी यहाँ से भी कर सकते हो और कंट्रोल सी करके भी कर सकते हो, और पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हो और कंट्रोल वी करके भी कर सकते हो। दूसरा होता है कि मुझे ये कट करना है, तो यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वो वहाँ से कट होकर यहाँ पे आ जाएगा। और कट का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल एक्स होता है, कंट्रोल एक्स डायरेक्ट शॉर्टकट से। और यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपको लेना है वहाँ पर रख के वो सेल में कंट्रोल वी कर देंगे, तो वो वहाँ से कट होकर यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों, एक ये कट और ये कॉपी और कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट्स होते हैं। तो ये वाले जो तीन हैं वो मैंने आपको बताया। अभी ये जो बोल्ड है, बोल्ड जो है दोस्तों वो यहाँ पे है, देखिए बी में लिखा हुआ है, और ये इटली यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये अंडरलाइन वाला यहाँ पे है, तो ये होम वाले टैब में ही है। तो ये देखिए, अगर मुझे ये बोल्ड करना है, ये समझ लीजिए स्टार्टिंग के 4 मंथ्स मुझे बोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पर बी किया, तो ये देखिए ये बोल्ड लेटर्स में आ गया। और एक इसका होता है, अगर हमको बोल्ड करना होता है तो कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट ये देखिए, कंट्रोल बी करके ये बोल्ड हो जाता है। अभी ये नीचे के चार है, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये क्लिक हो गए। अभी ये जो क्लिक का शॉर्टकट है वो कंट्रोल आई होता है, तो ये क्लिक हो गए। अभी ये नीचे के चार मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, ये अंडरलाइन हो गए। तो इसके जो शॉर्टकट है, यहाँ पे आप रखोगे एरो तो ये आपको दिखते हैं, कंट्रोल यू देखो इसका शॉर्टकट है, तो कंट्रोल यू से ये अंडरलाइन होता है, और फिर से कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये हट जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, बोल्ड इटली और अंडरलाइन कैसे आप करते हो। अगर आपको कोई आपकी कोई स्पेशली आपको हाईलाइट करना है किसी सेल को या कोई सेंटेंस को, तो उसको आप बोल्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉन्ट्स हम चेंज कैसे करेंगे। ये इसको फॉन्ट फेस बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज द फॉन्ट फेस। तो यहाँ पे अभी कैलिबरी है, अभी जैसे आपको ये चाहिए एरेल चाहिए, तो ये देखिए ये वाले आगे फॉन्ट चेंज हो जाएंगे। यहाँ के करके दिखाता हूँ आपको, देखिए इतने मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये जो सिलेक्ट करते हैं हम इसको रेंज बोलते हैं, इतना हमने रेंज सिलेक्ट किया है। उसके बाद में यहाँ से हम कोई भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी हमको फॉन्ट के पैटर्न्स चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से ये ऐसे चेंज होता है, जो भी पैटर्न चाहिए आप वो ले सकते हो। अभी दूसरी बात, ये जो साइज़ है इसका साइज़ कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं ये सबको एक ही पैटर्न में ले लेता हूँ, अंडरलाइन भी हटा देते, बोल्ड भी हटा देते। अभी समझ लो इसका मुझे साइज़ चेंज करना है, तो ये मैंने सब सिलेक्ट कर लिया। अभी ये देखिए ये फॉन्ट की साइज़ के लिए होता है, अभी यहाँ पे 11 नंबर की साइज़ लगी हुई है। अभी ये देखिए मैं चेंज करता हूँ, तो अभी अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे 20 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 14 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पे मैं इसको चेंज करना है मुझे, तो ये देखिए 20 हो गया। कंट्रोल जेड कंट्रोल यू करके आप कोई भी बैक जा सकते हो कहीं से भी। यहाँ से भी आप साइज़ चेंज कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से भी साइज़ चेंज हो रही है इसकी, और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अगर आपको फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी है।
तो एक यहाँ से चेंज होता है यहाँ से, और एक चेंज होता है यहाँ से। एक एक बार आप क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और यहाँ से एक एक बार क्लिक करते जाओगे तो कम होता जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ का हो गया फ्रेंड्स। अभी ये जो है ये वाला है ये बॉर्डर्स के लिए है। अभी हमको यहाँ पे बॉर्डर्स रखनी है, जैसे मुझे यहाँ पे बॉर्डर्स रखनी है तो ये देखिए ये बॉर्डर्स जो होती है यहाँ पे, अगर मैं ऑल बॉर्डर्स करूँगा तो ये देखिए बॉर्डर्स आ गई। मुझे पूरे पे बॉर्डर्स चाहिए, जितना हम सिलेक्ट करेंगे सब पे बॉर्डर्स आ जाएगी, ऑल बॉर्डर्स। अगर बॉर्डर्स हटा देनी है तो यहाँ पे जाएंगे नीचे स्क्रोल करके, यहाँ पे नो बॉर्डर्स करेंगे तो बॉर्डर्स हट जाएगी। जैसे भी आपको बॉर्डर्स चाहिए अपने हिसाब से, यहाँ पे जाएंगे थिक बॉर्डर चाहिए आ जाएगी, ये देखिए थिक बॉर्डर आ गई चारों तरफ। ओवरऑल बॉर्डर चाहिए राइट में चाहिए लेफ्ट में चाहिए, जैसे भी चाहिए यहाँ से जो है बॉर्डर्स आ जाती है। ये देखिए आउटसाइड बॉर्डर, ये वो बोल्ड वाली थिक वाली बॉर्डर हट गई और ऐसी वाली आ गई। ये ऑल बॉर्डर्स कर देते हम लोग। अभी ये फिल कलर, ये जो है ये सेल में हम कलर फिल करते हैं उसके लिए है। अभी समझ लो मुझे इसमें कलर्स फिल करने हैं सब में, तो यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए आप। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले सेल में कलर हम डाल देते हैं तो ये वाले आ जाएंगे यहाँ पे। और ये उसके बाद जो है ये होता है फॉन्ट कलर्स के लिए। अभी यहाँ पे मुझे फॉन्ट कलर्स देने हैं तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट के कलर्स चेंज हो रहे हैं, अभी समझ लो रेड वाले कर देता हूँ, तो ये फॉन्ट कलर्स के लिए है। दूसरी बात ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ये बाजू वाला जो है ये पूरा अलाइनमेंट है, ये पूरा हम अभी कवर कर चुके हैं, ये जो है वो अलाइनमेंट है। अभी समझ लीजिए ये जो है कट, मैं आपको पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि समझ लीजिए ये हमने जो लिखा है RS वर्किंग अकाउंटेंट ये पूरे सेल में नहीं आ रहा है, तो समझ लो इसको हमें रैप रैप करेंगे तो ये जो साइज़ है इसकी हाइट बढ़ जाएगी रो की, ये देखिए। तो अगर कुछ चीज़ आपने लिखी है और वो बाहर जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल जेड करके बताता हूँ, ये मैंने लिखा था बट ये मुझे ऐसे करके खींच के देखना पड़ेगा तो ये लेंथ इसका बढ़ जाएगा। तो अगर समझ लो मुझे ये देखना है तो हम अगर यहाँ रैप टेक्स्ट में जाते हैं तो ये ऐसे करके दिख जाता है। मैं ये थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ तो आपको अलाइनमेंट भी मैं बेटर वे में समझा पाऊँगा। अभी ये देखिए इसको मुझे मिडल में लेना है, तो ये देखिए यहाँ से ये मिडल में आ गया, ये अलाइनमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये नीचे चला गया, ये मिडल में आ गया, और ये ऊपर चला गया, ये मिडल में आ गया। अभी मुझे राइट साइड में लेना है तो यहाँ से आ गया, ये लेफ़्ट साइड में लेना है तो मुझे यहाँ से आ गया, मिडल में लेना है तो यहाँ से आ गया। अगर दोनों मिडल है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये बराबर मिडल में आता है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले रैप टेस्ट करके बताया ताकि ये आपको बेटर वे में समझे। ये देखिए ये जो होता है ये वर्टिकल में ऊपर नीचे होता है, और ये जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में आगे पीछे होता है। तो अगर हम लोग ये दोनों मिडल में रखते तो ये प्रॉपर मिडल में आता है। तो ये रैप टेक्स ऐसे करते हैं। अभी ये मर्ज एंड सेंटर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक में बताया था बट मैं यहाँ पे और बेटर तरीके से बता रहा हूँ बिकॉज़ ये हम एक एक करके टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो अभी ये समझ लीजिए आर एस वर्किंग अकाउंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी समझ लो मैं ये पहली लाइन में लिखता हूँ ऐसे, मुझे चाहिए कि ये बराबर बीचों बीच आ जाए। तो ये मैं पूरे सेल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा तो ये बीचों बीच आ जाएगा। देखिए बीचों बीच आ गया। तो मर्ज एंड सेंटर का ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर वे में अगर हमको चाहिए तो ये बीच में आ जाता है, हमको जैसे भी चाहिए। फिर आप यहाँ से अलाइनमेंट करके इसको और बीच में लेके परफेक्ट वे में कर सकते हो। फिर आपको ये यहाँ से अगर कलर देना है सेल में तो आप एक कोई भी अच्छा सा कलर दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी ये ग्रीन वाला कलर दे दिया है। और मैंने यहाँ से सब बॉर्डर सिलेक्ट कर लिए और मैं आउटसाइड में बोल्ड बॉर्डर्स दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना एक प्रेजेंटेशन भी बना के दे सकते हो। तो फ्रेंड्स इतने टॉपिक मैंने पूरे कवर कर लिए हैं इसमें।
हमने होम में से ये कॉपी कट पेस्ट और ये सब जो भी है इतना सा, और ये पूरा, और ये और एक चीज़ है, अगर आपको यहाँ से ये अलाइनमेंट में ऐसे चाहिए तो यहाँ से भी चेंजेस होते हैं। जैसे आपको वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए तो ये देखिए वर्टिकल बन गई है, ये देखिए। आपको जैसे भी टेक्स्ट चाहिए यहाँ से अलाइनमेंट में से जाके आप ले सकते हो। देखिए यहाँ से एंगल क्लॉकवाइज जैसे भी टेक्स्ट चाहिए वैसे कर सकते हैं। ये जो है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब होता है कि ये छोटे छोटे टैब्स में चीज़ें को आगे लेता है, और यहाँ से ये छोटे छोटे टैब्स में अगर आपको स्पेसेस देनी है तो ये जगह छोड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये देखिए, तो यहाँ से समझ लो मुझे ये चीज़ को इटली को आगे लेना है। मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करके बताता हूँ आपको, ये इटली को थोड़ा आगे लेना है। तो ऐसे ऐसे करके स्पेस दे के हम लोग आगे ले सकते हैं, और ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको पीछे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना टॉपिक आपका कवर किया मैंने यहाँ तक का। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे का हम लोग कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।